Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 10th standard ICSE students and the subject is history. And in this lecture, we are going to study the continuation part of chapter number 2. That is the factors promoting the growth of nationalism and the foundation of INC. And this is me presented by Zai sir. In the last lecture, we were about to start about Jyotiba Phule, right? जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ पर ज्योतिबा फुले उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। राइट, चलेगा वेदांत, दैट्स नॉट एन इश्यू, ओके, दैट्स नॉट एन इश्यू, नो वन शुड कमेंट टू हिम। आप देख लीजिए बेटा, मैं भेज दूंगा बेटा, ठीक है, मैं भेज दूंगा, एज सून एज पॉसिबल भेज दूंगा, ठीक है। ओके, सो वी आर हियर ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले, दैट इज बिटवीन 1827 टू 1819, राइट। और मैंने इनकी वाइफ के बारे में बताया था, सावित्री बाई फुले, ठीक है, राइट, सावित्री बाई फुले। एंड बताया था कि पहली गर्ल ऑल गर्ल्स स्कूल यहाँ पर ये लोग ने एस्टैब्लिश किया था, डेवलपमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल एंड ऑल दैट, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है, देखिए ज्योतिबा फुले के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, बिकॉज ये एक सबसे बढ़िया सोशल रिफॉर्मर थे। क्योंकि आज जिस जमाने में हम लोग दलितों की बात करते हैं फिर भी हम डरते हैं, उस समय पर मतलब आज से तकरीबन 100 साल पहले, 200 साल पहले तकरीबन, ठीक है, अराउंड अबाउट। सो ज्योतिबा फुले वाज अ हाईली एडमायर्ड सोशल रिफॉर्मर इन द 19th सेंचुरी। ही डिड अ ग्रेट वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो डाउन ट्रोडन पीपल थे या फिर लेट अस से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, स्पेशली द दलित्स, राइट, उनके लिए बहुत ही अच्छे से काम किया, उनको एजुकेशन दिया, ठीक है, राइट। तो ये लिखा है, स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द दलित्स कुड बी सॉल्वड इफ प्रॉपर एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू देम। मतलब यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान अपना ग्रहण करता है जब हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपलिफ्टमेंट की, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है फुले सेड दैट वुमेन वर सुपीरियर टू मेन बिकॉज दे बोर चिल्ड्रन एंड नर्स देम, और उनको बड़ा करती है, राइट। सो वुमेन जो है वो हर स्फीयर में, ठीक है, इन एवरी स्फीयर, राइट, वो क्या है, वो कहेंगे कि इंसानों से, आदमियों से, ठीक है, मेन से सुपीरियर है। Men kept their women uneducated so that they would not question, they would never question their domination. सही है, ठीक है। Women को वंचित रखा गया मतलब isolate कर दिया गया education से, ताकि कभी भी वो पढ़ लिख कर अपने ही society में, अपने ही समाज में मर्दों को question ना करे कि उनका role क्या है society में, ठीक है। Fully established in 1848 one of the first girls school in India, ठीक है, तो मैं बता ही चुका हूँ। He set up an orphanage in 1864 to provide shelter to poor widows and their children. He also opened many schools for the upliftment of downtrodden people. I hope this is clear to you. अब यहाँ से हमको पढ़ना बाकी है जहाँ से बताया था, ठीक है। He founded Satya Shodhak Samaj in 1873 to mitigate the distress and sufferings of Dalits and women. याद रखिएगा, जब इनके contribution में जब आपको question आएगा, write the contribution of ज्योतिबा फुले, ठीक है, right? तो ये सब चीजें आपको point wise लिखनी है ज्योतिबा फुले के बारे में, okay? ठीक है, so सत्य शोधक समाज, मैं चाहता हूं आप ये भी लिखिए, ठीक है, truth seekers कहा जाता है इनको, the Truth seekers. Don't get confused. Brahmo Samaj was established by Raja Ram Mohan Roy. Satya Shodhak Samaj was founded by Jyotiba Phule. ठीक है, right? क्यों? Just because Dalits और women, उनको अपना हक है, उनका जो स्थान है सोसाइटी में, उनको वो दिलाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर.
fully praised the British rule because it gave Indians the tools with which to fight social injustice. बहुत ही बढ़िया कहा है, बोला है कि ब्रिटिश रूल को यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं, उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही थे, उन्होंने एजुकेशन लाए थे, खास करके वेस्टर्न एजुकेशन कहेंगे, ठीक है। इस पे अगेन मैंने जैसे आपको कहा था, डे बिफोर यस्टरडे और समथिंग जस्ट टू डेज बैक आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है, एंड हमारी बहुत चर्चा हुई, तकरीबन रात को 2 बजे तक चर्चा हुई। जब मैं क्लास खत्म करके गया तो शाम से लेकर रात भर मैंने आपको शायद मैंने अपने चैट्स भी दिखाए थे, अगेन आई मेट दैट फ्रेंड, एंड वेस्टर्न एजुकेशन पे बहुत सारी बातें हुई, लैंग्वेज पे बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई, ठीक है, राइट। तो यही है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू कन्विंस हिम, शायद मेरा कन्विंसिंग पावर या शायद मेरी जो रीजन्स थे वो शायद कम पड़ गए, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता था कि हमारे बीच जो बॉन्ड है वो खराब ना हो, इसीलिए आई सेड ओके यू आर राइट, एंड यही चीज हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश रूल को प्रेज करते हैं, कौन करते हैं, ज्योतिबा फुले, एंड सोशल इनजस्टिस जो सामाजिक अन्याय है, ठीक है, जो दलितों का या कहेंगे कि जो वुमेन है उनका, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर ज्योतिबा फुले की वर्ड्स है। इट इज हाउएवर हार्टनिंग टू फाइंड दैट फुले मेंशनिंग इन हिज बुक गुलामगिरी, देखिए गुलाम पता चल गया, गुलाम का मतलब क्या होता है, राइट, सर्वेंट्स, राइट, और उस समय पे कहीं ना कहीं जो अपर क्लास है वो क्या करता था, दलित्स को सर्वेंट्स के हिसाब से ही ट्रीट किया जाता था, सो गुलामगिरी, दैट इट वर फार्मर्स ऑन हुज लेबर्स the government and armies and salaries, pensions of the whites depended, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गुलामगिरी में कहीं ना कहीं farmers की बात की गई है, कहीं ना कहीं laborers की बात की गई है, ठीक है। Again, just remind me, sir, to send you a link, okay? Just remind me to send you a link, ठीक है बेटा? राइट, कोई भी एक बच्चा, और प्लीज ग्रुप में मत डालिएगा, ग्रुप में डालिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन देयर इज अ मूवी, वंडरफुल मूवी, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण मूवी आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण एंड ऑल दैट, उसमें जो डिबेट होता है, जो हीटेड मोमेंट होता है बिटवीन राज बब्बर सन, उसका नाम मैं भूल गया, राइट, लेकिन राज बब्बर का बेटा होता है, दीपिका पादुकोण है, अमिताभ बच्चन होता है, राइट, उसमें बहुत ही बढ़िया सैफ अली खान एक दलित का किरदार निभाते हैं। जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि 2-3 बच्चे जो है जो अपना खुद का पर्सनल ग्रुप मेंटेन करते हैं, ठीक है, राइट, वो अपने अपने दूसरे फ्रेंड्स में भेज दीजिए, ग्रुप में मत भेजिएगा, ठीक है, राइट, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फुले व्हेन द फार्मर्स एजुकेट देमसेल्व्स and carry whips on their shoulders, the English will have to scream, yell and flee the country. मतलब क्या है? कहा है कि फूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब फार्मर्स, जब लेबरर्स, जो पिछड़े वर्ग है, जो लोअर क्लास के पीपल है, जब ये एजुकेट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब ये एजुकेट होंगे तो क्या होगा कि वो अपने खुद का आइडियोलॉजी, ठीक है, वो प्रोपागेट करेंगे, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरा के पूरा जो इंग्लिश क्लास है, जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, उनको ये कंट्री छोड़कर भाग जाना पड़ेगा जब ये फार्मर्स जो है एजुकेट हो जाएंगे, राइट। तो ये चीजें लिखी गई है, और यहां पर लिखा है ग्रेट लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक, लोकमान्य इनको उपाधि दी गई थी या टाइटल दिया गया था, ठीक है, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, लेकिन उपाधि दी गई थी लोकमान्य, लोक मतलब पीपल, लोगों के द्वारा एक मान्य काइंड ऑफ, मतलब वो मानते थे कि हाँ भाई ये जो है एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, तो लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मोतीलाल नेहरू, अब देखिए मोतीलाल नेहरू कौन है, अगेन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उनके पापा, राइट, उनको मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ठीक है, शेरे पंजाब, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एटसेट्रा also played a vital role in rousing the people from deep slumber and inspired them with new ideas and inspirations and developed in them the spirit of sacrifice and love for their
देयर मदरलैंड। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की बात होती है। जो भी ऊपर मैंने नाम लिए सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स के सारे सोशल रिफॉर्मर्स के, या जो भी अपने स्फीयर में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इन्होंने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को राउज करने की जो फीलिंग्स है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि भाई तिलक भाई साहब का, तिलक महाराज का, इनको भाई साहब नहीं कहूँगा, महाराज, तिलक महाराज का कहेंगे कि स्लोगन क्या है, तो कहेंगे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज, स्वराज का मतलब क्या है, खुद का राज, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक तरीके से, स्वराज इंडिपेंडेंस, तो कहेंगे इंडिपेंडेंस जो है, स्वराज जो है वो मेरा खुद का बर्थ राइट है, जब से मैं जन्मा हूँ तब से स्वराज मैं मतलब बर्थ राइट है मेरा, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसको लेकर रहूंगा कुछ भी हो जाए। ठीक है, राइट, आज का होमवर्क लिखिए, स्वराज एक ऐसा वर्ड है जिसको पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया था, मतलब किसने ये स्वराज का जो नारा है वो लगाया था। जाहिर सी बात है जब मैं ये पढ़कर क्वेश्चन देता हूँ तो तिलक महाराज नहीं होंगे, ठीक है, कोई और ही होगा जो स्वराज का जो वर्ड है जो कॉइन करते हैं और जो डिमांड करते हैं ब्रिटिश के सामने। ठीक है, आज का ये होमवर्क है आपका, एक बार जरा देख लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम अपने लास्ट फेज में आ चुके हैं, प्रीडेसेसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आपको पता होना चाहिए प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है। किसी को पता है प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है? प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है, प्लीज? नहीं, स्वराज मिडिवल टाइम में नहीं। यस, प्रार्थना, प्रार्थना सही है। पूर्वज, बहुत बढ़िया रोशन, बहुत बढ़िया, ठीक है, पूर्वज, अच्छा, पूर्वज ये हमारे फोर फादर्स कह सकते हैं। अगर पूर्वज नहीं कहूंगा, इंग्लिश वर्ड अगर इसको दूं मैं तो फोर फादर्स ऑफ होम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, और एक चीज जरा इसका मतलब जानकर आइए, कांग्रेस का मतलब क्या होता है जरा जानकर आइएगा। ठीक है, कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, इट इज एन इंग्लिश वर्ड। ओके, कांग्रेस इसका मतलब क्या है जरा जानकर आइएगा। ओके, यस, पूर्वज भी कह सकते हैं या फिर फोर फादर्स भी कह सकते हैं या प्रेडेसेसर्स, सक्सेसर्स, है ना, तो प्रेडेसेसर्स का मतलब फोर फादर्स या फाउंडिंग फादर्स भी कह सकते हैं ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए कुछ नहीं, शुरू करते हैं यहां से। आई होप आपको समझ में आया, कांग्रेस आपका होमवर्क है, कांग्रेस का मतलब जानकर आइएगा, कांग्रेस क्या है, क्या है, या बहुत बढ़िया माधवी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, राइट, मैं होमवर्क देता हूँ, आप क्लास में ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, यस, अ फॉर्मल मीटिंग, बहुत बढ़िया, अ फॉर्मल मीटिंग इज नोन एज कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस का मतलब आज जाके आपको मालूम पड़ा होगा कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, यस, ओके, ये सब मिडिवल टाइम में है, दयानंद सरस्वती ने भी स्वराज का नारा दिया था, ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल तरीके से कहा जाए, ठीक है, तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट वन टू कॉइन स्वराज, या स्वराज की मांग करने वाले पहले जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो पहले इंसान थे जिन्होंने स्वराज की मांग की वो दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, आई होप अभी कांग्रेस का मतलब समझ में आया होगा आपको, जो कांग्रेस एक पार्टी जिसको हम आज देखते हैं, ठीक है, वो एक पार्टी नहीं है। एक्चुअली कांग्रेस का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्मल मीटिंग, ठीक है, एक मीटिंग को कहते हैं कांग्रेस, राइट, और इसीलिए आप देखेंगे यूएस में भी कांग्रेस होता है, ठीक है, यूएस में भी कांग्रेस होता है, ओके, राइट, तो आई होप आपको मालूम पड़ गया अ फॉर्मल मीटिंग इज नोन एज कांग्रेस। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं फोर फादर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज हम INC देखते हैं, ठीक है, उनके फोर फादर्स कौन थे, फाउंडिंग फादर्स कौन थे, उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट, अब जरा यहां पर अगेन, यहां पर बहुत ही बढ़िया से आपके जो राइटर है, ठीक है, आपके जो बुक के राइटर है, गोयल प्रकाशन की बुक है शायद ये, और वहां से मुझे ये बच्चों ने भेजा है, राइट, तो बहुत ही बढ़िया से लिखते हैं कि एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो क्या था। ठीक है, राइट, अब देखो पहला ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, द सीड्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है, मॉडर्न पॉलिटिकल
कॉन्शियसनेस क्या होता है कोई बताएगा? कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कोई बताएगा बेटा? कॉन्शियसनेस, यस, जागरूकता, राइट, अवेयरनेस, बहुत बढ़िया, अवेयरनेस, ठीक है, होश, काइंड ऑफ, ठीक है। तो क्या है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल अवेयरनेस था, ठीक है, वो किसको जाता है? वो श्रेय जो है, क्रेडिट जो है, किसको जाता है? तो कहेंगे वो सोन बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अगेन अ बंगाली हिंदू, ठीक है, एजुकेटेड हिंदू, जो अपने ही घर में सती होने के कारण क्या करते हैं, एक एक कहेंगे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मेरे सती प्रथा जो है वो बैन करवाऊंगा, ठीक है, राइट। चलिए जरा, अब तो आइडियली मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूं, ठीक है। जरा इसका हिस्ट्री जान कर आइएगा, सती प्रथा का, कि ये कब शुरू हुआ। डोंट गेट कंफ्यूज विथ दिस वर्ड दैट इज जौहर, नो, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, जौहर, दोनों में कुछ फर्क है, थोड़ा सा माइनर थिन हेयरलाइन फर्क है, लेकिन जरा मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो है विकिपीडिया पे या कहीं पर भी, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, तो वहां पर सती प्रथा के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़कर आइए, ठीक है। अभी मेरे पास समय नहीं है, राइट, और कहेंगे कि बहुत सारा पढ़ाना भी है, राइट, तो प्लीज जरा देख कर आएंगे आप लोग सती प्रथा क्या होता है और उसका हिस्ट्री कहाँ जाता है, मतलब मिडिवल इंडिया जाता है, एंशियंट इंडिया जाता है, कहाँ जाता है सती प्रथा का मतलब, ठीक है, राइट, ओके। नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा ही रहा हूँ इसके बारे में, नाइन्थ में आता था, लेकिन आप टेंथ में आकर नाइन्थ का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि सती प्रथा कहाँ पर, मतलब उसका हिस्ट्री जान कर आइए कि भाई क्या हो रहा था, क्या है, क्या नहीं, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है, मुझसे शेयर मत करिएगा, आप लोग पढ़िएगा। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, अकॉर्डिंग टू SDA, एंड आई फील दैट आफ्टर द लास्ट मीटिंग विद माई फ्रेंड, ओके। चलिए आप देखते हैं, द सीड्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वर सोन बाय राजा राम मोहन रॉय इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, बट द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, आप देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब है ये वाला, ये है 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ कहेंगे ये है, ठीक है, राइट। सो बट द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस्ड द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अब क्या आ रहा है, नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। नेशनल का मतलब यही कि अब भारत एज अ कंट्री, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आएगा वो अभी दिखाया जाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ नेशनल मूवमेंट, और एक नेशनल मूवमेंट की स्थापना होती है, एक तरीके से हवा बन जाता है कि नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया है, अब लोग अब एंथुजियास्टिकली सारे लीडर्स को जो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे सारे लीडर्स को फॉलो करते थे, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर एस्टैब्लिश्ड या फाउंडेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, 1850 के बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी है, अब यहां पर जब भारत में मॉडर्न नेशनल कॉन्शियसनेस या नेशनल कॉन्शियसनेस आ जाएगा, नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाएगा, तो क्या होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली पार्टीज, ठीक है, एस्टैब्लिश होना शुरू होगा, फाउंडिंग होना शुरू होगा, ठीक है। तो बस वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, कहेंगे कि इन्हीं पार्टीज के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। देवर लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, मतलब एक रीजन के हिसाब से ही ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई थी, ये कोई पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। पैन इंडिया का मतलब है ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। कैसी थी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कहेंगे कि रीजन में ही ज्यादा एक्टिव थी, ओके, ठीक है, एंड वर नॉट नेशनल इन कैरेक्टर। मैंने कहा ना कि पैन इंडिया नहीं थी, कैसी थी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी के सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ओके, पैन इंडिया या ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन यही लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बाद में जाके मर्ज होती है और एक
पैन इंडिया या कहेंगे एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस या पॉलिटिकल या नेशनल मूवमेंट को चलाने के लिए. ठीक है, राइट. तो क्या लिखा है? लिखा है बट दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द INC इन दिसंबर 1885. याद रखिएगा, ठीक है, ये साल, ये महीना याद रखिएगा, हिस्ट्री में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि 1885 या कहेंगे 1885 में क्या हुआ था. तो कहेंगे कि INC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एंड दे आर कॉल्ड एज फोर रनर्स ऑफ कांग्रेस. अब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट जब 1885 में होता है तो इसके पहले क्या थी? ये तो एक ऑल इंडिया पार्टी बनी. ठीक है, ये तो एक ऑल इंडिया पार्टी बनी. इसके पहले सारी के सारी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोर रनर्स या कहेंगे कि फोर फादर्स या प्रीडेसेसर्स ऑफ द कांग्रेस. ठीक है, समझ में आया बेटा? आ रहा है समझ में? गिव मी अ थम्स अप. ओके, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूं इसीलिए, और बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरा, ताकि आप लोग जो है अपना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाइए. ठीक है, राइट. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद अब यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा इसका रोल रहा है हमारे भारतीय इतिहास में, INC के फॉर्मेशन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल रहा है. देखिए क्या लिखा है, द डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियंस. जरा मुझे कोई बताएगा डिसकंटेंट का मतलब क्या है? डिसकंटेंटेड का मतलब क्या है, कोई बताएगा? कमेंट करिए प्लीज. आई नीड योर एंथुजियाज्म हियर, आई नीड योर कंट्रीब्यूशन हियर. यू हैव टू बी विथ मी. हर्टेड, यस. नॉट सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया. Dissatisfied, not satisfactory, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, so the dissatisfied educated Indians, देखिए कौन किसकी बात कर रहे हैं? Educated Indians, ठीक है, educated Indians, हम और आप जैसे educated Indians की बात चल रही है. हम dissatisfied थे. किससे dissatisfied थे? तो कहेंगे कि government से, जो British राज है उससे हम dissatisfied थे. ठीक है, right. So the discontented educated Indians began to criticize the policies of government. ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी. क्योंकि जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, जब हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, तब हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या आता है? इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, राइट, है ना, और लिबर्टी. जब ऐसे इतने सारे वर्ड्स जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो क्षमता आ जाएगी कि हम भी क्या करें, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें. और जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, मतलब क्या है? दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो कहीं ना कहीं यहीं से ही डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है हमारे मॉडर्न भारत में. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं. इसके बाद लिखा है The discontented educated Indians began to criticize the policies of the government more vehemently. Vehemently मतलब क्या? Strongly, बहुत ही strongly. क्या करेंगे? ज़्यादा जेल में डालेंगे? डालिए जेल में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपकी policies को criticize करेंगे, क्योंकि आपने ही तो हथियार दिया है. और वो हथियार क्या है? कलम की ताकत. वो हथियार क्या है? एजुकेशन. वो हथियार क्या है? तो कहेंगे कि रैशनल थिंकिंग, ये आप ही ने हमें दिया है. ठीक है, रैशनल थिंकिंग ऑन मॉडर्न लाइंस, राइट. ठीक है, तो ये हथियार जब आप ही ने हमें थमाया है, तो अब आप ही इसको झेलिए और क्रिटिसाइज करेंगे हम लोग. ठीक है, राइट. अब देखिए क्या लिखा है आगे. लिखा है द डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियंस बिगैन टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मोर स्ट्रॉन्गली एंड एक्सेलरेटेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज. और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत ही बड़ा योगदान, ठीक है, एकदम एक्टिवली पार्ट लेना शुरू किया. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं. दादा भाई नवरोजी, ठीक है. अब याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इनको क्या कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक है,
एंड द अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंडिया ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन, ठीक है राइट। अब आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मेड इंग्लैंड द सेंटर ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी। सोचिए जब एक पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, जब एक एजुकेटेड इंसान जब भारत में नहीं रहकर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ब्रिटेन में जाता है, ब्रिटेन में जब जाता है और वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके उनकी ही पॉलिसीज को भारत में क्रिटिसाइज करने की ताकत रखता है, तभी तो इनको कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। समझ में आया बेटा? आया समझ में? आया समझ में? गिव मी थम्स अप। जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है? मेरे इमोशंस आप नहीं समझ रहे शायद, लेकिन मेरे वर्ड्स के ऊपर जाइए और समझिए इस चीज को कि एक एजुकेटेड इंडियन भारत में नहीं रहता, वो अपना सेंटर कहाँ बनाता है? अपना सेंटर बनाता है ब्रिटेन में, ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, ठीक है, ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और वहां पे जाके भारत में उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है। आप सोच सकते हैं आज या कल से ही सेशन शुरू हो रहा है, मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, राइट, यू माइट बी वेल अवेयर ऑफ दिस, राइट, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि क्या हालत है, राइट। तो यहां पर क्या है कि उस जमाने में ठीक है, जहां जमाना क्या था, जहां जमाना एजुकेटेड नहीं था, कुछ गिने चुने लोग, कुछ डाउन ट्रोडन पीपल का, कुछ दलितों का शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, भारत के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और वो ब्रिटेन में जाके अपनी आवाज उठाते हैं लिटरली, ठीक है। ही इज द ट्रू ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ही इनकी एज ज्यादा थी, फिर भी इनका जो कहेंगे कि जो पैशन था टूवर्ड्स द कंट्री, टूवर्ड्स द नेशनल, जो नेशनल आउटलुक था, ठीक है, जो नेशनलिज्म था, राइट, बस उनका ही सराहनीय है वो जो नेशनलिज्म है इनका भारत के प्रति। और यहां पर देखिए क्या लिखते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मेड इंग्लैंड द सेंटर ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बस आप उसी में ही फंस जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन, किसको कहा जाता है? फिर कहेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन बनाता है, कहां बनाता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। कब बनाते हैं? 1866, ठीक है, जब भारत कहेंगे इंटेलेक्चुअली अभी भी अपने जेस्टेशन पीरियड में था, रैशनल थिंकिंग में अभी बहुत छोटा था, फिर भी ये वहां लंदन में अपना एक एस्टैब्लिश करते हैं। अच्छा चलिए, और एक होमवर्क है, जरा नोट कीजिएगा, ब्लू प्लैक, ठीक है, ब्लू प्लैक, ये कोई प्लेग नहीं है, दिस इज प्लेग, जी आता है तो प्लेग है, ये क्या है, क्यू है, क्यू यू ई, ब्लू प्लैक क्या है? अब जब नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ये एक कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग दिया जाता है, जैसे अपने घर के बाहर नेम प्लेट होती है ना, अपने घर के बाहर नेम प्लेट होती है, वैसे ही ब्लू प्लैक एक नेम प्लेट की तरह है, ब्लू कलर का होता है, सर्कल में या ओवल टाइप सा, लेकिन ये टैग दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, ब्रिटेन में दिया जाता है, ठीक है, जरा इसके बारे में जानकर आइएगा। ब्लू प्लैक, मैं वापस से स्पेलिंग लिखता हूँ, BLUE, ब्लू, PLAQUE, ब्लू प्लैक, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन इसको ब्लू प्लैक ही कहा जाता है, जरा देखिएगा इसके बारे में, सर्च करके आइएगा ब्लू प्लैक क्या है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, आई होप, हाँ, प्रार्थना चौधरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए, प्रार्थना इज ऑन द फायर, ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द ब्रिटिश नेशन वॉज जस्ट एंड गुड, उनका ओपिनियन क्या था। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके राज को, उनका जो रूल है उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब यहां पर दादा भाई नवरोजी कहते हैं कि जो ब्रिटिश नेशन जो है, राइट, वो एकदम ही जस्ट है, जस्ट का मतलब फेयर है, ठीक है, फेयर मतलब गोरा नहीं, फेयर मतलब फेयर होता है, फेयर प्ले कहते हैं जिसको, फेयर होता है, एंड गुड है, भारत के लिए भूल है, भारत के लिए आशीर्वाद की तरह है ब्रिटिश राज, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज है, ठीक है, राइट, वो गलत है, जो पॉलिसीज है। अब जरा ड्रेन थियरी के बारे में जब ये इंसान लिखेगा, ठीक है, तब जाकर आपको
थोड़ा और आइडिया आएगा. ओके चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. ही वॉन्टेड टू प्लेस द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया बिफोर द पीपल ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, और आपको पता ही है पार्लियामेंट में जाकर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर जब दादाभाई नवरोजी क्या करेंगे कि जब ट्रू स्टेट, जब सही जो सिचुएशन है, ठीक है, ब्रिटिश रूल का, कहां पर, भारत में, जब उसका मुद्दा उठाएंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कौन देखेगा, तो कहेंगे यूनाइटेड किंगडम के लोग देखेंगे, वहां की जनता देखेगी, तो वहां की जनता को थोड़ा बहुत सहानुभूति आएगी भारत के प्रति कि हमारी सरकार क्या कर रही है, भले भारत एक कॉलोनी है, राइट. तो ये जब उठाया जाएगा, जब मुद्दा उठाया जाएगा पार्लियामेंट में भारत का, तो कहीं ना कहीं सारे जो सिटीजन्स है, राइट, उनके उनके कुछ ना कुछ माइंड्स पे अफेक्ट पड़ेगा अपने गवर्नमेंट को लेकर. और हो सकता है कि हमसे पहले वहां पर डेमोक्रेसी आ चुका था, तो ब्रिटेन की सरकार गिर जाए, ब्रिटेन में ही गिर जाए. ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रेशर बिल्डअप करना है ऑन दी गवर्नमेंट कि भाई आप देखिए यूके की गवर्नमेंट जो है वो भारत के गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे कहेंगे कि एक्सप्लॉइट कर रही है. ठीक है, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा जब यहाँ का कोई भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में जाके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि बनेगी, एक नेगेटिव इमेज बनेगा वहां की गवर्नमेंट का, ठीक है, अपने ही जनता के प्रति. और आपको पता ही है कि हर गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो उसको एक नेक्स्ट टर्म मिले, एक अच्छा वाला टर्म मिले, और ये उसके लिए नेगेटिव है. ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात, आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, गिव मी अ थम्स अप, समझ रहे बेटा, यस यस, ओके ठीक है. तो ये प्रेशर बिल्डअप करना था, और ये प्रेशर बखूबी बिल्डअप किया दादाभाई नवरोजी में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर. ओके ठीक है, चलो अब ये आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है. लिखा है ही वॉन्टेड टू प्लेस द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया बिफोर द पीपल ऑफ इंग्लैंड सो दैट द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियंस मे बी रिमूव्ड. और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डर लगता है, हर किसी गवर्नमेंट को डर लगता है कि अगर हमारा क्रिटिसाइजेशन होता है, अगर हमारा क्रिटिसाइजेशन होता है या हमें क्रिटिसाइज किया जाता है जनता के बीच में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करेगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि हर गवर्नमेंट को लालच है कि उसे नया टर्म मिले, उसकी जनता जो है उसको वापस इलेक्ट करके एक नया टर्म दे. लेकिन जब क्रिटिसाइज होगा और जब आप काम नहीं करेंगे अच्छे से, अपनी इमेज नहीं सुधारेंगे, तो पक्का है कि अगला टर्म आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यही काम दादाभाई नवरोजी ने किया. अब देखिए, और वो चाहते थे कि हमारे जो ग्रीवेंसेस है, ठीक है, हमारे जो ग्रीवेंसेस है उसको हटा दिया जाए, ये गवर्नमेंट जो है हमारी बात सुने. ठीक, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है जो ये एसोसिएशन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नाम याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके ब्रांचेस भी सेटअप किए, कहां पर, कलकत्ता में सेटअप किए गए, बॉम्बे में सेटअप किए गए, मद्रास में सेटअप किए गए. ठीक है, राइट. दादा भाई नवरोजी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू रेज द स्लोगन ऑफ स्वराज. ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क ही दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां पर है, लेकिन क्या है इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा आपके बुक में. राइट, दादाभाई नवरोजी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस हु रेज्ड द स्लोगन ऑफ स्वराज. ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड असर्टेड दैट द ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉस्टली सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ हैवी ड्रेन ऑन द पुअर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. इसीलिए ही दादाभाई नवरोजी ने एक थियरी निकाली और वो थियरी अपने बुक में लिखी, द ड्रेन थियरी. ठीक है, तो यहां पर क्या है, ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड असर्टेड दैट ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजों का राज है, ठीक है, वो भारत पे किस तरीके से बोझ बन रहा है, ठीक है, किस तरीके से बर्डन बन रहा है ऑन इंडिया एंड इट्स रिसोर्सेज, उसके जो भी रिसोर्सेज है उसके ऊपर किस तरीके से वो बोझ बन रहा है. ठीक है, राइट. सो इट्स कॉस्टली सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ हैवी ड्रेन ऑन द पुअर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो उस समय पे जो ब्रिटिश राज जो है यहां पर जो भारत को एडमिनिस्टर कर रहा था थ्रू हिज ऑफिसर्स विच वर अपॉइंटेड बाई एन एग्जाम ऑफ ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, और उनको एक हैंडसम सैलरी जब दिया जाता था
और सारे पॉक्स दिए जाते थे, तो दादा भाई नवरो जी ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, बोले आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही खर्चे वाला है, बहुत ही कॉस्टली है, और ये कॉस्ट आप कहां से बैर कर रहे हो, ये कॉस्ट बैर कर रहे हो आप भारत के रिसोर्सेस से, ठीक है, भारत के रिसोर्सेस पे बर्डन पड़ रहा है, हमारी हमारे रिसोर्सेस हमारे लिए यूज कीजिए, ना कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, राइट। तो ये क्रिटिसाइज किया और अपनी बुक लिखते हैं, कौन सी बुक लिखते हैं, द ड्रेन थियरी, याद रखिएगा, मैं बार बार इसका नाम क्यों ले रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चंस इसी में से ही बनेंगे, ओके, ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दादा भाई नवरोजी के बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, राइट। आई होप आपको दादा भाई नवरोजी वाला टॉपिक क्लियर है, क्लियर है बेटा दादा भाई नवरोजी वाला टॉपिक, यस, ओके ओके। ही वॉज द फर्स्ट फोर रनर ऑफ INC, ठीक है, ये फर्स्ट फोर रनर ऑफ INC है। अब सेकंड फोर रनर जो है, मतलब फाउंडिंग फादर है, उसके ऊपर जाते हैं, दैट इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ओके। अब इन्होंने, अब देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, राइट, और यहां पर क्या है, सिर्फ इंडियन एसोसिएशन। तो अगर ये दोनों ही क्वेश्चन में पूछ ले और बोले कि भाई फाउंडिंग फादर्स बताइए जरा, विच लीडर वॉज द फाउंडर, तो कहीं गलत मत करके आएगा, यहां पर दादा भाई नवरोजी लिख के आएंगे और यहां पर SN बैनर्जी लिख कर आएंगे, नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता हूं अपने एग्जाम्स में, और क्या करते हैं, बस उसी में ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पहले ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, कैश मार्क से ये, ठीक है, वन मार्क और टू मार्क का क्वेश्चन आएगा, राइट, तो ये ऐसे ही आएगा, और आपको ध्यान रखना है कि भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नवरोजी, ठीक है, राइट, और इंडियन एसोसिएशन SN बैनर्जी, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, ओके। अब लिखिए क्या लिखा है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सेट अप एन इंडियन एसोसिएशन इन 1876 टू ऑर्गेनाइज अ पब्लिक ओपिनियन टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल एंड टू ब्रॉडन द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन करिए, ठीक है, SN बैनर्जी के पीछे, SN बैनर्जी का जो एम था इंडियन एसोसिएशन सेटअप करने का, वो एम्स क्या थे, लिस्ट द एम्स बिहाइंड सेटिंग अप द इंडियन एसोसिएशन बाय SN बैनर्जी। तो सबसे पहला क्या करना है, टू ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है पब्लिक ओपिनियन को, एक चैनलाइज करना है, एक बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। फिर क्या कर रहा है, बोला है टू प्रमोट यूनिटी अमॉन्ग्स द इंडियन पीपल, और उनका जो आउटलुक है, ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट का जो आउटलुक है, या नेशनल यूनिटी या नेशनलिज्म का जो आउटलुक है, उसके बेस को वाइड करना है, गांव गांव तक पहुंचाना है, ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान पहुंचाया गया ना, वैसे ही नेशनल मूवमेंट का जो अभियान है, वो छोटे से छोटे लेवल पर, ठीक है, अपना बेस को ब्रॉडन करना है, गांव गांव तक पहुंचाना है, राइट। तो ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, तो यही लिखे है, वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एसोसिएशन, ठीक है, इट लॉन्च्ड एजिटेशंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑप्रेसिव एक्ट्स सच एज द लाइसेंस एक्ट, आपको पता ही है लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट एंड द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट अगेंस्ट, एंड ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, SN बैनर्जी का, कि ICS का एग्जामिनेशन जो एज लिमिट था वो लो कर दिया गया था, 21 से 19 कर दिया गया था, तो इसके खिलाफ किसने आवाज उठाई थी, तो कहेंगे SN बैनर्जी ने उठाई थी आवाज, ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इन सब, ये सब जो नेगेटिव एक्ट्स थे, ये जो उनके नेगेटिव कहेंगे स्टेप्स थे ब्रिटिश राज के भारत में, ठीक है, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन थे, SN बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ओके, ठीक है, एंड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑन इंग्लिश ओन्ड प्लांटेशंस। देखिए बखूबी ये बंगाल से आते थे, उस समय पे बंगाल जो है, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब हुआ करता था। अब आपको पता ही, आसाम में क्या है, टी प्लांटेशंस है, तो ये प्लांटेशंस में जो लेबरर्स थे, इनकी हालत बहुत ही खस्ता थी, इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, और इनके लिए आवाज उठाने वाले SN बैनर्जी थे। लेकिन क्या लिखा है, लिखा है बट दिस एसोसिएशन फेल्ड टू बिकम एन ऑल इंडिया बॉडी, ओके, ठीक है, राइट। तो टाइम अप हो चुका है, बहुत कम समय मिला मुझे, ठीक है, राइट, सो नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे, ओके,